हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सर्विस शबाना और आ गई हूं आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन लेके साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड्स के द्वारा। ये राशिफल आपका 14 सितंबर 2020 से लेके 20 सितंबर 2020 तक के लिए है। अगर आपने मेरा प्रोग्राम सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल वीकली प्रिडिक्शन। आप जानते हैं ना आपको कैसे देखना है अपना वीकली प्रिडिक्शन। आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, अपने लग्न लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, चंद्र लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, यानी कि चंद्र राशि और जो आपकी लग्न कुंडली है उनके लॉर्ड, या फिर आपका जो नाम का जो पहला अक्षर है उससे जो आपकी नाम राशि है उससे भी आप अपना प्रेडिक्शन देख सकते हैं। जिस भी राशि से आप कनेक्टेड फील करते हैं उससे आप अपना राशिफल देख सकते हैं। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है तो कई बार आप एक रीडिंग से कनेक्टेड होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, तो इसलिए आप अपने जो जितने भी आपके राशि जो आपकी बन रही है, अगर एक से ना बने तो दूसरे से आप देख सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगी जिससे आप कनेक्टेड फील करें उससे आप जरूर देखें। आई विश ये आपसे कनेक्टेड हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन। तो चलिए अब हम बात करते हैं टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए ये जो वीक आ रहा है 14 सितंबर 2020 से लेकर 20 सितंबर 2020 के लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली है, माइंड बॉडी सोल रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल फ्लोज एंड ऑल, तो कार्ड हमें बताइए कि टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा कार्ड है, मैं इसको खराब कार्ड बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितनी मेहनत करके पर्सन ने इतने सारे वॉन्ड्स खड़े कर दिए हैं, 8 वॉन्ड्स खड़े कर दिए हैं और 9th वॉन्ड उसके हाथ में है और बस जैसे ही वो उसको लगाएगा उसको फतह मिल जाएगी, वो 10th वॉन्ड भी फटाफट लगा देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटी सी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, छोटा सा एक लाख है, इसमें दिखा रहे हैं कि इंतजार, 8 वॉन्ड्स लगाने के बाद पर्सन 9th वॉन्ड हाथ में पकड़े हुए है और 10th वॉन्ड लगाना चाहता है, यानी कि उसके लाइफ में थोड़ा पॉज आ रहा है, थोड़ा वो किसी चीज के लिए इंतजार कर रहा है, या कह लीजिए कि वो जो है थक गया है, या कहते हैं ना जब एंड होने लगता है किसी भी चीज का, किसी भी सिचुएशन का, हम सोचते हैं कि हमने सही किया ना, हमने जो कर रहे थे हमारा काम सही था ना, तो एक बार आप दोबारा से रिवाइंड करते हैं, रिवाइंड करके देखते हैं कि हाँ हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तो सब कुछ ठीक रहा। मम्मी पापा, मम्मी जब खाना बनाती होंगी तो, या आप खुद भी खाना बनाती होंगी तो क्या करती हैं, जब खाना बन जाता है तो जरा सा टेस्ट कई लोग करते हैं, कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं, कई लोग जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, देखने के लिए नमक मिर्च ठीक है कि नहीं। तो वही काम हो रहा है कि इस हफ्ते जो है आपका माइंड जो है अपने करियर के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए, या जो भी कोर्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो चीजें अभी तक आपने की हैं उनका अवलोकन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या हमने सही किया। और क्योंकि अब ये सिर्फ 2 वॉन्ड्स का इंतजार रह गया है, 9th वॉन्ड उनके हाथ में और 10th लगाना है, तो वो सोच रहे हैं कि जो कहते हैं ना जैसे शो स्टॉपर होता है कि जब काम खत्म होने वाला होता है तो उसको कैसे फिनिशिंग देनी है, उसको कैसे खूबसूरत बनाना है, उसको कैसे कंप्लीशन करना है, तो माइंड में यही चलेगा कि जो भी आप चीजें कर रहे हैं या जो भी प्लानिंग चल रही है तो आप उसके अंदर एक्स फैक्टर डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इंतजार कर रहे हैं, या किसी के सजेशन के इंतजार, या किसी आइडिया के इंतजार, या किसी पर्सन के इंतजार भी आप कर सकते हैं, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी के इंतजार भी कर सकते हैं। अब आपको कहीं पे जॉब लग गई है, बिल्कुल बहुत बढ़िया जॉब लग गई है, लेकिन फिर भी ज्वाइन करने से 2 हफ्ते पहले भी आप सोच रहे हैं कि जहां मैं करना चाहता था या करना चाहती थी वहां से अप्रूवल आ जाए तो मैं ये छोड़ के वहां चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट जो थॉट्स हैं वो माइंड में आपके रहेंगे, चाहे वो आप किसी भी चीज के लिए ले लीजिए। जहां तक बॉडी की बात है, बॉडी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, बॉडी में इतना काम
जो है दिखता नहीं है क्योंकि काफी इसमें पॉज है, मतलब वो रुके हुए हैं, वो किसी चीज के इंतजार कर रहे हैं, थॉट की इंतजार, एक्शन की इंतजार, किसी की आने की इंतजार, किसी प्लानिंग की इंतजार। तो बॉडी में ज्यादा काम नहीं होना, बस एक जो है ना एक चीजें प्रोसेस में देखते रहेंगे कि चलो ये कर लिया, ये कर लिया, ये फिर एनालाइज करते रहेंगे। इंसान जब काम में बिजी होता है ना, तो ना उसको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना थकान होती है, ना प्यार मोहब्बत की चिंता रहती है, ना किसी ऐसी चीज की चिंता रहती है जो कि आपको उनके काम के अंदर वो इंटरफेयर करे या डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि माइंड ऐसा रहेगा, बॉडी भी बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी, सोल सोल भी तभी सेटिस्फाई होगा जब आप अपने काम को कंप्लीट करने के जो है लास्ट मोमेंट का जो है उसको काला टीका लगाने वाला जो होता है ना, कि हाँ भी पूरा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, अब हमें इसको काला टीका लगाना है। तो आप ये सोच रहे हैं एक्स फैक्टर डाल के हम अपने काम को काला टीका कैसे लगाएं, किसी की नजर ना लगे, तो वो रहेगा। और जहां तक फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल फ्लो में थोड़ा सा रुकावट है, मे भी हो सकता है इस पर्सन को पैसों की जरूरत भी हो कि पैसा आए तो काम को वो आगे बढ़ाए, ये पॉज भी हो सकता है। तो कई कई तरह से कार्ड को पढ़ा जाता है, क्योंकि जब ये जनरल रीडिंग होती है तो कई तरह से पढ़ा जाता है, जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं तब हम 1-to-1 बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग में डायरेक्ट आंसर्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। फिर उसके बाद हम देखते हैं रिलेशनशिप में भी कहीं पे पॉज आ रहा है, यानी कोई रिलेशनशिप चलता जा रहा था, कुछ चल रहा था, कुछ जर्नी चल रही थी, तो कहीं पर सोच विचार के लिए आप रुक गए हैं, सोच रहे हैं, दोबारा से एनालाइज कर रहे हैं, ये सही रहेगा आपके लिए आगे की लाइफ के लिए कि नहीं। ठीक है टॉरस, तो ये आपके लिए है इस वीक के लिए। अब देखते हैं आपके लिए एंजल क्या कहते हैं। ओके, फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ। यस, अपने अपने पे विश्वास रखिए, अपने स्ट्रेंथ पे विश्वास रखिए, उसी पे फोकस करिए, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और क्योंकि ये वॉन्ट्स का कार्ड है, ये ज्यादा देर का नहीं स्टे नहीं करेगा, वीकली है, एक हफ्ते के लिए ही जो है हमारे वॉन्स है शो करते हैं, तो ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा। ऑल्दो ये 9 ऑफ वॉन्स है तो 9 हफ्ते भी कहा जा सकता है, बट ये सितंबर सितंबर रहेगा, ये सितंबर सितंबर थॉट आगे चल सकता है इस हफ्ते के बाद, बट ये जो ये हफ्ता है टोटली इसी के अंदर रहेगा। सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।